तो हेलो गाइस, वेलकम है आप ही लोग का यूट्यूब चैनल नीरज मोबी हब के यूट्यूब चैनल पे। तो सो का मैं इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहा हूँ स्विमिंग पूल, जो कि एक इंग्लिश लैंग्वेज के मूवी है और इस मूवी को हिंदी डब का प्रीमियर कर दिया गया, जो कि मैंने कुछ देर पहले इस मूवी को देखकर फिनिश किया हूँ। क्या आप लोग को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, चलिए ज्यादा बात न करते हुए स्टोरी लाइन की ओर बढ़ते हैं। कहानी फॉलो करती है सारा की कैरेक्टर के अराउंड, जो एक नोबल को लिखने के लिए शांति इलाका में जाती है एक बंगले में। एक दिन अचानक उस बंगले में एक हादसा हो जाता है। वो क्या हादसा होता है, इसके लिए आप मूवी देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। इस मूवी में बहुत ही ज्यादा 18+ सीन है। खोपचा में ही जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो, भूल कर भी इस मूवी को आप फैमिली के साथ नहीं देखिएगा, वरना आपको बहुत ज्यादा पिटाई भी हो सकती है। इस मूवी का जॉनरा है थ्रिलर ड्रामा। इस मूवी का मैं एक निगेटिव पॉइंट साथ ही साथ 3 पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगा। निगेटिव पॉइंट की बात किया जाए तो स्क्रीन प्ले आपको यह मूवी का स्लो लग सकती है। 1 घंटा 45 मिनट इस मूवी को देखने में लगेगा, जो कि आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग फील करा सकती है, क्योंकि इस मूवी में कुछ ही कैरेक्टर है। मेन तो दो ही कैरेक्टर है जो कि इस मूवी में दिखाई गई है। सिनेमेटोग्राफी मेरे को पसंद आया, बट इस मूवी का ग्राफिक वीडियोग्राफिक आपको बहुत ज्यादा ओल्ड लग सकती है, क्योंकि 20 साल पुराना यह मूवी है, यानी 2003 में यह मूवी को रिलीज किया गया था। और एक्टर का परफॉर्मेंस भी मेरे को बहुत ही खतरनाक लेवल का रहा है। इस मूवी में ऐसे बहुत ही कम ही कैरेक्टर है, बट सारा और जूली से बहुत ही ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो पाओगे। इन दोनों का कैरेक्टर इस मूवी में बहुत ही अच्छा रहा है, और साथ ही साथ इस मूवी का स्टोरी बहुत ही ज्यादा मेरे को पसंद आया। और साथ ही साथ गाइस, इस मूवी का क्लाइमेक्स आप लोग को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग सकती है। अगर आप यह मूवी देखते हो और क्लाइमेक्स आपको समझ में नहीं आती है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट में एक लाइन में मैं बता दूंगा कि क्लाइमेक्स में आखिर के हुआ क्या था। अगर इस मूवी को वर्ड में रिव्यू करूं तो मेरे को यह मूवी ऑसम और नाइस लगी है, क्योंकि इस मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जो कि क्लाइमेक्स के कारण ही मेरे को यह मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 7.5 out of 10, और रिकमेंड करता हूँ एक बार इस मूवी को आप ट्राई बिल्कुल कीजिएगा। बिल्कुल आप अकेला में ही यह मूवी को देख सकते हो, फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कीजिएगा। और मेरा वीडियो पसंद आ रहा तो गाइस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।